करके क्या कहा कि मेरे को भी माँ अगर ऐसा बेटा पैदा हो जाता। बात मैंने उसी दिन आपकी ये बात स्वीकारी। आज मैंने किया तुम्हारे घर में जन्म दिया, अब मुझे यहाँ से कहा ले जाओ गोकुल में। पैदा हुए कहाँ? मथुरा में। और 5 वर्ष तक रहे कहाँ? गोकुल में। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक रहे कहाँ? वृंदावन में। और वृंदावन के पश्चात 125 वर्ष का राज्य चलाया भगवान कृष्ण ने द्वारिका में। और 125 वर्ष के पश्चात भगवान ने फिर क्या बसाया? परमात्मा एक बार जिस वस्तु का, जिस प्राणी का, जिस मनुष्य का परित्याग करते हैं दोबारा उनसे नहीं मिलते हैं। पैदा हुए मथुरा में, केवल मामा का वध करने के गोकुल में गए। 5 वर्ष के बाद गोपियां गोपी रह गई। मेरे नारायण वापस में आया, उद्धव को भेजा और 10 वर्ष वृंदावन में रहे। फिर गोपिया रही लेकिन फिर वापस वृंदावन नहीं आए। और 125 वर्ष का राज्यकाल चलाने के बाद जब जो है इस पृथ्वी का परित्याग कर रहे थे तो फिर क्या बसाया? बैकुंठ। फिर बैकुंठ से द्वारिका नहीं आए। कहने का क्या है कि जब मनुष्य ईश्वर के हाथ से छूटता है तो वह मनुष्य तर नहीं सकता। इसलिए आप परमात्मा के हाथ से कभी मत छूटना। और अब तो समय हो गया, एक घंटा हमारे पास बचा है, एक घंटा मैंने जितना भी मेरे से बन पाया क्योंकि अच्छे घंटे में कर लेता, लेकिन ये मूर्खता है। मुझे अपने गाँव वाले देखते हैं, मेरे पंचायत का क्षेत्र है, बत्ता तो जीवन भर हमारा तो जो व्यवसाय है नहीं, हम तो बोलते रहेंगे हमें तो आनंद आता रहेगा, लेकिन गांव की मुनि महाराज जी की कोई भी आज्ञा की अवहेलना न हो, इसलिए मैं अपने प्रवचनों को उस परमात्मा के समर्पण करके, मुनि महाराज जी के चरणों में अर्पण करके, अपने गांव के माताएं भाइयों इन सबको अर्पण करके और एक उसकी जन्म का भजन करें। ये लोग सब भजन सम्राट हैं, एक छोटा सा भजन आप कृष्ण का नाम का करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हर भागवत महापुराण की, बोले शिव पुराण की। No.
एक बार बोलो महाराज जी बोल में क्षेत्र गांधी जी बोल महाराज भगवती चंद्र मैया की एक बार बोलो श्री भक्त जनों की पसंद हो यहाँ पर 201 रुपया